तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हमारे किचन में और मैं बेसन और नमक डालकर जस्ट फेंट रही हूँ और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और इसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बेसन को बहुत ज़्यादा आपको ढीला रखना है, जैसे आप पकौड़ी वाला बेसन लगाते हो ना वैसे आपको नहीं बनाना है। ये थोड़ा सा पतला रहेगा, जब भी इसकी जो पकौड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और ये पकौड़ियाँ मैं किस लिए बना रही हूँ अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और कुछ पकौड़ियाँ मैंने प्याज डाल के थोड़ा सा बेसन डाल के सुबह नाश्ते के लिए भी मैंने फ्राई कर ली हैं, यानी कि तल ली हैं। तो अब हम उन्हें फटाफट से खा चुके हैं। और साइड में मैं जो घोल तैयार कर रही हूँ वो है मट्ठा और बेसन। मट्ठे के लिए मैंने लिया एक सॉरी बेसन के लिए मैंने लिया एक मुट्ठी बेसन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और इसके बाद अब हम डाल रहे हैं लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जब ब्राउन कर लेंगे तो जो मट्ठा है ना, जो पूरा भरा हुआ है ना, उसमें आपको मट्ठा ही दिख रहा है। और थोड़ा सा पानी और हल्दी मैंने डाली है, तो इसको अच्छे से ही मैं फेंट लूँगी और इसको डालूँगी चलाते हुए, क्योंकि अगर आप चलाओगे नहीं जो आपका मट्ठा या दही जो भी आप लेते हो ना वो फट जाता है। तो इसको आपको 15 से 20 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाना है धीमी आंच पर, क्योंकि ये थोड़ा सा ही उबाल मारता है गिर जाता है, जैसे आपकी क्रीम होती है ना उस टाइप का। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी और ये देखिए कितने अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और इनको इस तरीके से हिलाते हुए मैंने इन्हें पका दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमारी पकौड़ियाँ हमने तली थी ना बिना प्याज वाले, उन्हें डाल देंगे बस और गैस ऑफ कर देंगे। फटाफट से हमारी कढ़ी चटपटी खट्टी तैयार है, ये देखिए। और ये है क्लिप एक दिन पहले की, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे डाली है, जहाँ पर आप अच्छे से देख सकोगे कि मैंने किस तरीके से लगाई है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो उस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, चाय हमने बना ली है, पी ली है, और क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, क्या बोलने जा रही थी, हाँ कढ़ी बनाई थी उसके साथ पकौड़ियाँ भी तल ली थी जो ये खा चुके हैं। हैं कैसी बनी थी पकौड़ी, कैसी बनी थी बता? मस्त बनी थी, अच्छी बनी थी, सब मस्त ही बनता है। तो बस अभी ये क्या ढूंढ रहे हो? वो सड़ गई है, उसपे धनिया लाए थे आजकल की, यार धनिया पता नहीं कैसी होती कि खराब हो जाती है। टमाटर भी रख दो तो टमाटर भी सड़ा सड़ा हो जाता है। ये देखिए दिखाओ, फेंकने जा रहे हो, तो वो भी सड़ा सड़ा हो जाता है। ये देखिए वो कल लाए थे सुबह, मैंने चटनी बनाई है पकौड़ी के साथ और बाकी अजीब सी लीज लीजी टाइप की हो गई है। और टमाटर भी जो होता है ना वो भी ऐसी हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है। देखो टमाटर भी सड़, अब एक पाव से ज्यादा टमाटर ना लाओ, खराब होने लगते हैं। तो बस मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती बस मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देते हैं, फिर आप लोगों से आराम से थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, कुछ देर में, ठीक है? तो अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो अब इनको हटा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, 5 दिन हो गए हैं, और बीमारी की वजह से मैं इसे नहीं निकाल पा रही थी, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो फाइनली थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल रही हूँ। तो ये जो टेप है ना, इससे आपकी दीवार ख़राब हो जाती है, तो आप जो भी टेप इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपकी दीवार की पपड़ी ना निकाले। ये दीवार का जो पेंट हुआ है ना वो पपड़ी पूरा निकाल दे रहा है। और ये यूज़ है, मतलब यूज़ क्या बोल रही है, आप इसे यूज करके निकाल के रख सकते हो पिचका कर, लेकिन इसे पिचकाना नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दूसरी ट्रिक अपनाते हैं। आप देख सकते हो इसको मैं जहाँ से वहाँ पे पाइप डालकर आपको मैंने दिखाया था बर्थडे वाली वीडियो में, लिंक में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरीके से हमने इसको फुलाया था। तो वहीं से मैं हवा निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने कहा यार दूसरी ट्रिक ट्राई करते हैं, थोड़ी देर के बाद दिमाग काम किया, मैंने उसमें पाइप डाली, जिस पाइप से हमने फुलाई थी वो पाइप नहीं, दूसरी थोड़ी सी लंबी है ये, वो वाली से निकल नहीं रही थी। अब देखिए कितनी आसानी से इसकी जो हवा है वो निकल रही है। तो इसी तरीके से आप निकालिएगा, जो फुलाने वाली पाइप इसके साथ मिलती है ना वो मत डालिएगा। ये गुब्बारे फुलाने वाला पाइप था, ये देखिए जो बाबुली है ये आता है, इसी को मैंने काट लिया है। या फिर जो होता है ना जिससे आप नारियल पानी वगैरह पीती हो वो भी आप डालकर निकाल सकते हो, तो वो मैंने मंगाया था, फिर उससे भी निकाल रही हूँ, उससे काफ़ी अच्छे से निकल गया। तो फटाफट से चलिए हम इसको निकाल लेते हैं फिर आप।
तो गाइज बस आ गए हम हमारे पुराने घर यहाँ पे, क्योंकि शिवलिंग है और जो तीजा का व्रत होता है, तीज होती है, वो शिवलिंग के पास ही करती हैं और शाम के टाइम। तो बस यहाँ पर जो है ये पूजा कर रही हैं देवरानी जी शंकर जी की, और मूर्ति तो उन्होंने रख ली है। मुझे उतना नहीं पता है, जितना पता उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ। तो बस मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से आराम से थोड़ी देर। ऐसे मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी सी आप लोगों से बातें हो जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों से बात करना, आप लोगों को बताना, आप लोगों को सारी सच्चाई रखना, जो आप लोग समझ रहे हो उसके बारे में बताना। तो मैं एकदम से ये नहीं कह सकती हूँ, या किसी के दिल की बातें या किसी के दिल में झांक कर तो मैं देख सकती नहीं कि इसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वही है कि किसी के दिल का हाल तो हम जान नहीं सकते। जो हमें पता है, जितना पता है उतना ही हम उतनी सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता सकते हैं। तो सेम चीज़ें मेरी हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वो वाला ब्लॉग दिखाया था, उसमें मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका किसी को गलत लगा हो या कुछ भी हो, वो मुझे नहीं पता है, या लेकिन जो होता है ना मेरे दिल में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस सेम चीज़ें वही थी कि उस टाइम में मुझे जो लगा जैसा लगा वो मैं आप लोगों से बता दी हूँ, और बिंदी चेंज हो चुकी है। रीज़न बताती हूँ, जब मैं वहाँ गई थी कविता पूजा कर रही थी ना, तो वहाँ पर उसने चूड़ी और बिंदी चढ़ाई थी, तो ये वाली ग्रीन वाली चूड़ी चढ़ाई थी जो मैंने एक एक डाल ली है। ये देखिए सगुन की होती है, जैसे उन्होंने चढ़ाया था ना भगवान जी को, तो वो डाल ली, और बिंदी उन्होंने चढ़ाई थी तो एक मुझे दे दी, तो वो मैं निकाल ली और जो लगाई थी वो हटा दी। ताकि किसी ने मुझसे कहा था, उन्होंने नेगेटिव कमेंट नहीं किया है, इस विषय में काफ़ी बातें उठ रही हैं मुझे पता है, और उन्होंने नॉर्मली तरीके से मुझसे पूछा था ये बात कि दी ऐसा क्यों है कि आपके सास सिर्फ आपको नहीं पसंद करती है, जो आपकी देवरानी है उनको पसंद ज़्यादा करती हैं आपको नहीं करती हैं। उन्होंने कई जगह नोटिस किया होगा वो चीज़ें, वो मुझे नहीं पता, कई बातें उन्होंने मुझसे बोली नॉर्मल तरीके से, उन्होंने मुझसे पूछा तो नॉर्मल तरीके से ही मैं ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि ये बातें कई बार आ चुकी हैं मेरे सामने। तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था कि मेरी सास का मेरे प्रति क्या रिएक्ट है। उन्होंने ये बात मुझसे पूछी कि दी आपकी सास ऐसा क्यों करती हैं कि आपके ही कमरे में सारा सामान उन्होंने भर दिया है, जितना मतलब सब कुछ था, जैसे कि उन्होंने देखा होगा वीडियो में जो भी है। मुझे रीज़न नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों पूछी क्या है। तो उसमें मैंने अपना कमरा दिखाया था, एक इससे पहले एक और वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी देवरानी जी का कमरा दिखाया था, ऊपर वाला जिसमें उनका सारा सामान था, नीचे वाला जिसमें वो रहती थी, और सेकेंड मेरा वाला। तो उन्होंने उस पर भी मतलब कई बातें उठी थी कि आपके कमरे में है ये सामान क्यों रखा जाता है, बाकी के कमरे में क्यों नहीं रखा जाता था। उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा जाने दो बेटा नहीं। तो इसके बाद वो बातें फिर उठ रही हैं कि हाँ ऐसा क्यों है आपके सास आपके साथ दुर्व्यवहार है ना, ये बोलते ना दुर्व्यवहार, ऐसे कुछ था, दुर्व्यवहार क्यों करती हैं, आपके ही कमरे में आप सारा सामान भरी हैं और सभी का कमरा क्लीन है, अगर सबको एक एक कमरे मिले हैं तो फिर उसमें सामान क्यों रख रही हैं, और रख रही हैं तो सिर्फ आपके कमरे में क्यों रख रही हैं, सबके कमरे में क्यों नहीं रख रही। तो इसका जवाब यार मैं भी नहीं दे सकती हूँ, ना मुझे पता है कि ऐसा क्यों है। हाँ रही बात दुर्व्यवहार की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है दुर्व्यवहार, क्या यार मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, दुर्व्यवहार मतलब दो लोगों का व्यवहार ना, मतलब देवरानी के साथ अलग व्यवहार मेरे साथ अलग व्यवहार, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत समझिए, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ उनका व्यवहार अच्छा है, मेरी बातें अच्छी होती हैं, सब कुछ अच्छा है। और रीज़न रही बात मेरे कमरे की कि सबके कमरे में उन्होंने नहीं रखा, सिर्फ मेरे कमरे में ही रखा है, तो ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा क्या है। मेरा कमरा खाली है, मैं जाती कम हूँ, मेरा कमरा खाली है, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने रख दिया हो। और रही बात सबके कमरे में रखने की,
तो रीज़न मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, और मेरा कमरा, मैं जाती कम हूँ तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे कमरे में उन्होंने रख दिया, बाकी के कमरों में नहीं रखा, और मैंने कभी ये बातें उनसे पूछी भी नहीं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मत परेशान होइएगा, और ये कमेंट मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने किया था, उन्होंने नॉर्मल तरीके से पूछा था तो मुझे भी अच्छा लगा नॉर्मल तरीके से जवाब देना। तो आई होप डियर आप समझ गए होंगे, तो प्लीज माइंड मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट रात के बज रहे हैं कितने, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पहले देख लीजिए, देखो ये देखिए 10:15 बाकी है। मेरा जो सीरियल है मैं उसे देख रही थी और रोटी भी बना रही थी, तो रोटी हमारी बन गई है। और ये चलो ये क्या कर रही है, बाप पापा के लड़की, देखिए कैसे लड़की है, किसके लड़की हो, पापा श्रीन की आ चुकी है, ये देखिए लटक जाती और हम जाने जा रहे खाना खाने, रोटी बना के मैं भाग गई थी, ये देखिए दो अपने लिए, चलो वहाँ घर चलो आओ, और तीन इनके लिए, चलो लाओ सब्जी लेके आओ, बाबू पापा मम्मा खाएं। और अब हम जा रहे हैं, क्या करते हैं एक मिनट बताते आ रहे हैं, हाँ खाने के लिए ये हमारी कोहड़ी आलू की सब्जी, गिलास का जुगाड़, मोबाइल हाथ में, आजकल जमाना है जुगाड़ वाला। तो चलिए अब हम फटाफट से खा लेते हैं, यार बाबू की सब्जी तो लाई नहीं मैं, तो चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक फटाफट से खा लेते हैं ना। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30, और अब हम क्या करने जा रहे हैं बताइए आप, अच्छा आप बताओ, तुम बताओ, ब्लॉग का एंड करने, ब्लॉग का एंड करने कैसे करना ये तो बताओ, ये कौन सा ब्लॉग काइंड है, बाबू ब्लॉग काइंड कैसे करते हैं ऐसे, यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं आती, लाइट नहीं ढंग से, देखो ब्लर ब्लर दिख रहा है, देख कैमरा पता नहीं कैसे अजीब सा झिलझिल झिलमिल 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 होता है ना, झिलमिल सितारों का सावन हो, और क्या है यार बताओ आप लोग, झिलमिल सितारों का सावन हो, पता नहीं हमें याद ही नहीं है, तुम्हें क्या याद रहता है, तुम शादी से पहले बहुत कुछ याद रहता था, शादी के पहले सब भूल गए, आदमी को केवल एक ही चीज याद रहता है, क्या तुम हम याद नहीं है, हमको भूल चुके हो तुम, बाबू भुला देंगे तुमको सनम, धीरे धीरे मोहब्बत के सारे सितम, धीरे धीरे, है ना, सिंगर है भाई साहब ये, डांस कर रही थी जैसे देखी रुक गई, बाबू कर दो शर्मीली, आ गया था फोन इनका, और अब हम करते हैं अपने वीडियो का एंड, और बाबू बाय बोल दो, बाय बाय, वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।